हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। ठीक है, आपने बहुत सारी फ़ोटो देखी होंगी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जिनका जो है पीछे का जो बैकग्राउंड होता है बिल्कुल जो है ब्लर होता है। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, आपके मोबाइल का कैमरा चाहे जैसा है, अच्छा है या ख़राब है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पर ये फ़ोटो अपना जो है सेलेक्ट करेंगे, और वहाँ से फिर आप वहाँ सेलेक्ट करके फिर आप वहाँ पर जो है अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन किसे डाउनलोड करनी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, वीडियो के बता देंगे आपको लास्ट में, और बने रहिए वीडियो में। जैसे ही आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, ठीक है, तो सिर्फ आपको करना है, सिर्फ एक बार करना है आपको अलाउ। ठीक है, आपका जैसे अलाउ कर देंगे फिर आपका कैमरा जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कोई फ़ोटो यहाँ से खींच के फिर उसका बैकग्राउंड ब्लर करें, या फिर चाहते हैं गैलरी से कोई फ़ोटो, तो आपको गैलरी के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है इस छोटे वाले फ़ोटो के ऊपर। ठीक है, फिर आप इधर पहुंच जाएंगे अपने गैलरी में, यहाँ से कोई फ़ोटो अपना एक सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो हमने गैलरी से फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको टिक के ऊपर, और यहाँ पे कर देना है क्रॉप। ठीक है, इतना चाहते हैं आप, फिर ऊपर लिखा है क्रॉप, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर 2 से 3 सेकेंड का थोड़ा वाइटिंग है, 2 से 3 सेकेंड अभी हो जाएगा बस, उसके बाद चलिए वाइटिंग हो गई है। और फिर यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो नीचे में ना सब नीचे में लिखा है, नीचे में लिखा है ब्लर। ठीक है, इनको भी जो है आप नेक्स्ट कर देंगे। ऐसे देखिए फ़ोटो का बैकग्राउंड जो पीछे का हिस्सा देख सकते हैं बिल्कुल जो है ब्लर हो चुका है। ठीक है, और चाहते हैं ब्लर तो ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं यहाँ से, और चाहते हैं गैलरी में सेव करना तो यहाँ पर क्लिक करके गैलरी में सेव कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐसे लिखा है फन, फन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसा एक से एक जो है नया लुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने वाला। देखिए बहुत सारे यहाँ पे अच्छे से लुक हैं। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर सेव करें या फिर शेयर, फिर लिखा है एंड लिखिए। ठीक है, इस पर देख सकते हैं, देखिए इस पर भी बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप ये देखिए। फिर हम जाएंगे ब्यूटी के ऊपर, ब्यूटी पर देख सकते हैं इसे, ये सारा देखिए ऐसा इफेक्ट, ये देखिए बहुत से यहाँ पे इफेक्ट हैं, बहुत सारे इफेक्ट हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप चॉइस करें। ठीक है, उसके बाद सेव करें, सेव। फिर उसके बाद आपको क्लिक कर देना है कस्टम। अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड अच्छा सा बैकग्राउंड आपकी गैलरी में है, आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड हम खुद लगाएं, तो कस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है आपको कस्टम। फिर आप जाएंगे अपने यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे तो जाएंगे सीधे गैलरी में, और गैलरी में जाने के बाद आप यहाँ से कोई अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे कि ये बैकग्राउंड देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने गैलरी से बैकग्राउंड लिया था ना, वो जो है लग चुका है। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेव हो चुका है। और ये वाली एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे करनी है, आपको हम बता दें। ठीक है, आप जो वीडियो हमारा देख रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, इस निशान के ऊपर क्लिक करेंगे आप, फिर नया पेज नीचे ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा है ऐप लिंक। ठीक है, जस्ट इसी जगह पे आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे सीधे पहुंच जाएंगे आप प्ले स्टोर, बहुत ही आराम से जो है आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है।